केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने भी विपक्ष पर पलटवार किया और उन्होंने एक बार फिर से विपक्षी दलों को याद दिलाया कि पहले भी ऐसा ही होता रहा है। प्रधानमंत्रियों ने पहले भी इसी तरह से संसद की लाइब्रेरी और एनेक्सी का उद्घाटन किया है, तब किसी ने विरोध नहीं किया और अब नए संसद भवन का उद्घाटन हो रहा है तो विपक्ष का रवैया ठीक नहीं है। देखिए देखिए, कौन विरोध कर रहा है वो तो आपको पता है, विरोध करने का कारण क्या है वो भी पता है। मैंने तो आपको हिस्टोरिकल डिटेल्स बता दीजिए, मैं आपको फिर पढ़ के सुना देता हूं कि कितनी बार डॉक्टर मनमोहन सिंह और सोनिया गांधी जी ने तमिलनाडु की लेजिस्लेटिव असेंबली का सेक्रेटेरिएट कॉम्प्लेक्स का उद्घाटन किया, ममता बनर्जी ने प्लैटिनम जुबली मेमोरियल बिल्डिंग वेस्ट बंगाल स्टेट असेंबली में किया, ठीक है। ये मैं आपको नहीं, मैं 15-20 ऐसे इंस्टेंसेस हैं। अब अपने समय में वो अपने प्रधानमंत्री या उनकी पार्टी की जो अध्यक्षा है उनसे करवा लेते हैं, हमें कहते हैं कि आप प्रेसिडेंट से करवाए, तो मैंने कहा कि फिर आपने भी तो करवाए थे, तो फिर वो कहते हैं नहीं पार्लियामेंट बिल्डिंग और एनेक्स में अंतर है। पार्लियामेंट भाई, अगर आपने पार्लियामेंट बिल्डिंग बनाई होती जो आपको बनानी चाहिए थी तो आप तब भी तो अपने लोगों से करवाते प्रधानमंत्री। देखिए, ए डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर, अब मैं इसमें नहीं पढ़ रहा हूं, ठीक है। हमने, भारतीय जनता पार्टी ने, माननीय प्रधानमंत्री जी ने इस प्रेसिडेंट की इलेक्शन में किया, उन्होंने उस समय भी विरोध किया, अब वो सडनली कह रहे हैं कि उनका अपमान हो रहा है, इसमें तो कोई बात ही नहीं बनती है। तो सत्ता पक्ष के अपने अपने दावे हैं और विपक्ष के अपने। उद्धव गुट के सांसद संजय राउत क्या कुछ कह रहे हैं सुनिए। शिवसेना के वरिष्ठ नेता संजय राउत इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। ऑपोजिशन का बॉयकॉट ठीका नजर आ रहा है क्योंकि सरकार टस से मस होने को नजर नहीं आती। ये कोई टस का मस होने का बात नहीं है, हमारी भूमिका है जो लोकतंत्र को बचाने की भूमिका है, देश को बचाने की भूमिका है। नया संसद भवन का उद्घाटन ये कोई विवाद वाला विषय नहीं होना चाहिए, देश की डेमोक्रेसी का टेम्पल है, मंदिर है। हमारी भूमिका है राष्ट्रपति को बुलाना चाहिए, राष्ट्रपति संसद की प्रमुख है, उनके आदेश से सत्र चलता है, उनके भाषण से सत्र चलता है, आप उनको नहीं बुला रहे, ये क्या बात है। एक महिला राष्ट्रपति आदिवासी है, उसका अपमान जो है वो विवाद का मुद्दा बन गया है। इधर देवेंद्र फडणवीस कहते हैं उद्धव ठाकरे को बुला कौन रहा है, विधान भवन में 2 घंटा नहीं दिखते थे वो। बात ऐसी है कि देवेंद्र जी की बात सही है, जब शादी होती है महाराष्ट्र में तो लोग बिन बुलाए चले जाते हैं, वैसे लोग जा रहे होंगे, लेकिन हमारा मुद्दा है तो देवेंद्र जी का भी मुद्दा होना चाहिए भाई कि हमारे राष्ट्रपति को क्यों नहीं बुलाया। अगर देश के प्रमुख को नहीं बुला जाता है, घटनात्मक संवैधानिक प्रमुख को, तो हमारे जैसे नागरिक जाकर क्या करेंगे। हम राष्ट्रपति का सम्मान करता है, अगर देवेंद्र जी नहीं करते तो उनका मुद्दा है।